बुराई के प्रतीक के रूप में पोले के पाड़वे के दिन नगर में मनाया जाने वाला पाड़वे के दिन नगर में मनाया जाने वाला पारंपरिक मारबत बढ़िया उत्सव इस वर्ष कोरोना महामारी का असर दिख रहा है। मराठी श्रावण के सप्ताह होते ही ताना पोला के दिन इड़ा पीड़ा घेऊन जागे मारबते, यह गूंज कानों में गूंजती है। कोरोना के कारण इस वर्ष सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा है। इस कारण 13 दशकों से चली आ रही मारबत बड़गे के जुलूस की परंपरा इस वर्ष खंडित होगी। मारबत व बड़गे के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश के साथ निकलने वाले जुलूस को देखने बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। फिलहाल मारबत के जुलूस पर प्रशासन के आदेश का आयोजक इंतजार कर रहे हैं। मारबत बड़गे उत्सव ताना पोले के दिन मतलब इस साल बुधवार 19 अगस्त को होगा। नहीं, अभी तो अभी ऑर्डर आने के, वो प्रशासन के तरफ से ऑर्डर आने के। मेरा लोग तो निकलना ही नहीं, हम पूजा के लिए भी बंद रखे क्योंकि कोरोना का प्रादुर्भाव देखते हुए एक आएगा कोई तो उसके साथ में 10 आएंगे, 100 आएंगे, वो संख्या बढ़ती जाएगी। इस वजह से हमने पूजा के लिए भी बंदी कर दी है। हम आयोजन कोई नहीं करते, उसकी मूर्ति बनाते, देवी स्वरूप मानते, लोग पूजा पाठ करते हैं, हम उसका जुलूस निकाल के विसर्जन करते हैं हर साल। वही काम इस साल भी है, लेकिन कोरोना की वजह से हम अभी फिलहाल उसकी मिरौनक निकालेंगे नहीं और पूजा के लिए खोलेंगे नहीं, और प्रशासन के जो ऑर्डर आएंगे आगे के उसके मुताबिक काम करेंगे। पीली मारबत नागोबा व देवी संस्थान पंच कमेटी के कोषाध्यक्ष देवीदास गब ने इन्होंने बताया कि पीली मारबत की परंपरा खंडित नहीं की जा सकती। भीड़ न जुटाकर परंपरा के अनुसार हम पूजा करेंगे। प्रशासन की अनुमति नहीं मिली तो निश्चित रूप से जुलूस की परंपरा खंडित होगी और पीली मारबत की पूजा कर उसे विसर्जित किया जाएगा। ताना पोला के दिन शहर में इड़ा पीड़ा घेऊन जागा मारबत की गूंज गूंजती है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते सार्वजनिक उत्सव पर जो है बंदी लाई गई है। उसी के चलते 13 दशकों से चलते आ रही प्रथा पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगने वाला है। कहीं ना कहीं ये प्रथा यहाँ खंडित होने जा रही है। जैसे पीली मारबत का जो जुलूस है वो नहीं निकाला जा सकता, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जो है कुछ आदेश जारी किए गए, उसके चलते 13 दशकों से चलते आ रही प्रथा खंडित हो सकती है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।